हेलो गाइस, वेलकम टू SPPS स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 10, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां ऑफ 11th क्लास जियोग्राफी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न। यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। तो आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 700 मिलीबार, 900 मिलीबार, 1100 मिलीबार, 1300 मिलीबार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 900 मिलीबार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है। ऑप्शन देखते हैं, विषुवत वृत्त के निकट, कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विषुवत वृत्त के निकट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। ऑप्शन देखते हैं, घड़ी की सुइयों के चलने के दिशा के अनुरूप। घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, ठीक है। घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा के विपरीत समदाब रेखाओं के समकोण पर, ठीक है। समदाब रेखाओं के समकोण पर समदाब रेखाओं के समांतर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा घड़ी की सुइयों के चलने के दिशा के विपरीत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, विषुवतीय वन, साइबेरिया का मैदानी भाग, हिमालय पर्वत, दक्कन पठार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब मापन की इकाई क्या है। वायुदाब मापन की इकाई क्या है। मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है। वायु मापन मापने की इकाई क्या है। मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है। इसका आंसर देखते हैं, वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है, ठीक है। वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई किलो पास्कल है, ठीक है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई किलो पास्कल है, जिसे HPa लिखा जाता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा
किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थान को मिलती है, ठीक है। जो कि समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए, ठीक है, दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद से समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो, अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो, तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय में पवने उत्तरी पूर्वी क्यों होती है, ठीक है। जब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो, अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो, तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय में पवने उत्तरी पूर्वी क्यों होती हैं। इसका आंसर आ जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, ठीक है, पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इसे कोरिओलिस बल कहा जाता है, ठीक है, इस बल को कोरिओलिस बल कहा जाता है। इसके प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ विक्षेपित हो जाते हैं। कोरिओलिस प्रभाव दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करते हैं, ठीक है, कोरिओलिस प्रभाव दाब समकोण पर कार्य करते हैं। दाब गोलार्ध बल में समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का रोग उतना, ठीक है, सॉरी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे में से समकोण होने के कारण निम्न दाब निम्न क्षेत्रों में इसी के इर्द गिर्द बहती हैं, ठीक है, इसलिए जब दाब प्रवणता बले उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो, अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत, अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो, तो उस उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय में पवने उत्तर पूर्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू विक्षेपी पवने क्या हैं, भू विक्षेपी पवने क्या हैं, इसका आंसर देखते हैं। पवनों का वेग व उनकी दिशा, पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वालों बलों का परिणाम है, ठीक है, पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवने धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है, ठीक है, और दाब प्रवणता तथा कोरिओलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो, ठीक है, जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो, तो दाब प्रवणता बल कोरिओलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवने समदाब रेखाओं के समांतर बहती है। ये पवने भू विक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करो, इसका आंसर आ जाएगा, स्थल समीर स्थल भाग से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है, स्थल समीर स्थल भाग से समुद्र की ओर चलती है और यह प्रायः रात में चलती है, ठीक है, और यह प्रायः रात में चलती है, जबकि समुद्र समीर समुद्री भाग से स्थल की ओर चलती है, यह प्रायः दिन में चलती है, ठीक है,
यह प्रायः दिन में चलती हैं। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, ठीक है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकर ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवने समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रोसेस होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल समुद्र की ओर की तरफ होने पर स्थल समीर को प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसका आंसर देखते हैं, पवने उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रभावित होती हैं। पवने उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रभावित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है, ठीक है, जो कि पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरिओलिस बल कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरिओलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवने तीन संयुक्त प्रभावों के परिणाम है, ठीक है। का नंबर भी दिया गया दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल, कोरिओलिस बल, इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों के नीचे प्रवाहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दाब प्रवणता प्रभाव। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में जब दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है, जहां समदाब रेखाएं पास पास होती है, ठीक है, जहां पर समदाब रेखाएं पास पास होती है वहां दाब प्रवणता अधिक होती है, वह समदाब रेखाओं के दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है, ठीक है। घर्षण बल देखते हैं, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है, ठीक है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, ठीक है, धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसको प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, ठीक है, 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरिओलिस बल, ठीक है, कोरिओलिस बल अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास कोई भी बिंदु सर्वाधिक तीव्र गति से संचलन करता है, ठीक है।